वेलकम टू माय चैनल टीसीडी। आज मैं आपको बता रही हूँ मसाला बिरयानी, जिसके लिए मैंने लिया है 1.25 किलो के करीब है चिकन, और एक कटोरा है टमाटो पेस्ट, एक कटोरा है दही, और एक कटोरा है पुदीना पत्ती, और एक कटोरी धनिया पत्ती, 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कटोरी कटे हुए हरी मिर्च, और 2 कटोरी होगी ये प्याज, दली हुई प्याज है, और खड़े मसाले हैं जो 4 हैं, हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची है, 8 से 10 लौंगे हैं, और आधा 1 चम्मच है शाहजीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, और 4-5 पत्ते, क्योंकि ये मैं आधा इसमें बघार में डालूंगी, आधा मैं चावलों में डालूंगी, और जो सूखे मसाले हैं वो ये हैं, 2 चम्मच है धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, वो थोड़ा सा फूड कलर। मैंने चावलों को जो है वो भिगाने रख दिया है, 3 गिलास 1 किलो के करीब ये चावल हैं, अब मैं इनको पकाने के लिए रख दूंगी। इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, ये जो गरम मसाले हैं, तेज़पत्ता डाल देती हूँ, थोड़ा सा शाहजीरा, और थोड़ी सी काली मिर्च, बाकी ये मैं बघार के लिए रखूंगी, और इसी में मैं नमक डाल दूंगी, इसमें 3 चम्मच के करीब मैं नमक डालूंगी, 3 गिलास चावल है तो ये, क्योंकि ये पानी तो निधर जाएगा, और थोड़ा सा मैं इसमें 1-2 चम्मच के करीब, छोटे चाय के चम्मच के करीब तेल डाल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, उसमें मैं ये चिकन डाल दूंगी, चिकन के साथ ही जो है ये मसाले, जो सूखे मसाले हैं वो डाल दूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही आप ताज़ा दही लीजिए, टमाटर का पेस्ट, और तली हुई प्याज, इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसी के साथ इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें, कलर थोड़ा अच्छा आता है इसकी में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चिकन के अंदर सारे मसाले मिक्स करके रख दिए हैं, अब मैंने एक भगोना लिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल के डाल दिए हैं, इसी में थोड़ा तेल गरम हो जाए, इसी के साथ जो मैं ये सूखे मसाले हैं वो डाल दूंगी, तेल हमारा हल्का सा गरम हो गया है, क्योंकि तेल पका हुआ था, इसके अंदर मैंने प्याज तली थी, तो अब इसमें मैंने जो गरम मसाले खड़े वो डाल देती हूँ, हल्का सा, ज़्यादा गर्म मसाले जलाना नहीं है, हल्के से हो गए। अब इसी के साथ जो चिकन है, आप चाहें तो चिकन को मैरिनेट करके 15 मिनट आधा घंटा रख सकते हैं, तो मुझे अभी जल्दी बनाना है, तो मुझे तो अभी सोई की डाल रही हूँ, अब इसको ढकना नहीं है, बस इसको हाई फ्लेम पर चलाते रहना है, इसको इतने में इसमें ही इसमें जो इसका टमाटर है इसके पानी से ये गल भी जाएगा, जब तक इसका पानी सूखेगा, तो इससे अपन को हाई फ्लेम पर रखना है, चलाते हुए इसको पकाना है, तब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता। फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला है वो कंप्लीट हो गया है, बोटी भी इसकी अच्छी तरह से गल गई है, ये देखिए, अब मैं इसको चावल के साथ
इसको परत लगाऊंगी। देखिए चावल हमारे उबल गए हैं, ये मैंने 90% चावल उबाले हैं, 100% नहीं उबाले हैं क्योंकि इसको दम लगाएंगे तो ये इसमें पक जाएंगे। इसी में ये धनिया है, थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा पुदीना। गैस बंद कर देते हैं। इसमें मैंने उबाले थे जी भगोने में, इसी में मैंने चावल उबाले थे, इसी में चावल डाल देती हूँ, आधे चावल में इसमें डाल देती हूँ क्योंकि इसकी मुझे लेयर करना है। मसाले वाली बिरयानी है ये, ज़्यादातर जो मसाले वाली बिरयानी होती हैं उसमें लेयर्स होती हैं। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और सिम पर है, इसी के साथ मैंने जो ये मसाला तैयार करा है चिकन का, इसमें मैं पूरा मसाला डाल दूंगी। धनिया और पुदीने की जो पत्ती है वो डाल दी है मैंने, इसी के साथ मैंने डाल दी है ये हरी मिर्च, इसी के साथ ये चावल बचे हुए हैं जो वो डाल दूंगी। थोड़ी सी ये प्याज थी तली हुई वो मैंने बचा के रखी थी, एक साथ में ये डाल दूंगी। हरी मिर्च और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए हैं और हमारी जो बिरयानी है वो रेडी है। अब आपको चेक कैसे करना है, वहाँ बिरयानी रेडी हुई, एक चम्मच लीजिए और इसको यहाँ बीच बीच में डाल के देखिए, ये कुछ भी नहीं आया, मतलब ये परफेक्ट बिरयानी है। अगर आप इसमें थोड़ा पानी या कुछ लगा देखें तो इसको 5 मिनट और रख दें, लेकिन अभी बिरयानी हो चुकी है। ये हमारा मसाला बिरयानी रेडी है, अब आप इसको खाइए और इसको एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।